वो ये पूछा तक नहीं वहां पर, आपने न्यूज पढ़ी होगी अखबार के अंदर, ये अग्निवीर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको दिमाग रखना पड़ेगा। हमारी योजना एक से एक बढ़कर के है, 500 रुपये सिलेंडर दे दिया, ओपीएस दिए कर्मचारियों के लिए, पूरे देश के अंदर कहीं पे भी ओपीएस की योजना नहीं है, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन कहीं पे भी नहीं है, 25 लाख का बीमा कहीं पे भी नहीं है, आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए कहीं पे भी नहीं है, दुर्घटना बीमा 10 लाख का कहीं पे भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो जिस रूप में इंग्लिश स्कूल, ये हमारे बैठे अध्यक्ष जी शिक्षा मंत्री थे, अंग्रेजी स्कूल खुल गई राजस्थान के गाँव के अंदर, मुझे खुशी इस बात की है कि बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गांव वालों को मैं बधाई देना चाहूँगा, हालात वर्तमान जो आए हैं, कंप्यूटर के मोबाइल फोन के, ये राजीव गांधी का सपना था, लोग समझे नहीं थे उस वक्त तो कि क्या कहना चाहते, 21st सेंचुरी बात करते हैं, ये सपना वो था कंप्यूटर का, आईटी बेस का, आईटी बेस में नंबर वन है देश के अंदर, राजस्थान नंबर वन है देश के अंदर आईटी गवर्नेंस के अंदर। आपको खुशी होगी हर काम आज कंप्यूटर से हो रहे हैं, मोबाइल फोन से हो रहे हैं, डीबीटी हो रही है आपके बैंकों के अंदर, कैसे हो रही है, राजीव गांधी का सपना था उसके कारण हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आज जब ये सब हो रहा है तो आप समझ रही इंग्लिश स्कूल हैं, मैं भी खिलाफ था, इंग्लिश के खिलाफ था बचपन के अंदर, पढ़ता था, अंग्रेजी क्या काम आएगी, क्या काम आएगी अंग्रेजी हमारे, दक्षिण के राज्य में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, यहाँ चलते थे उत्तर भारत में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो दिल्ली बम्बई लंदन अमेरिका जाएंगे हमारे बच्चे, गाँव के बच्चे जाएंगे, राजस्थान वो राज्य होगा आने वाले वक्त में 10 साल बाद में, अभी हम जाते हैं कैंपों में, गए शिविरों में, बच्चे बच्चे खड़े होते हैं, इंग्लिश में बात करने लग गए वो हमसे, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उसे अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं, आप सोच सकते हो, ये क्रांति हुई है, क्रांति 3000 स्कूल खुल गई है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। हम वादा करेंगे कि पी जोशी जी कहेंगे कि जो चाहेगा गाँव में वहाँ स्कूल खुलेगी, अंग्रेजी स्कूल अलग से खुलेगी। इस प्रकार से मैं चाहूँगा, राजस्थान का सपना देखा हमने, मिशन 2030 वो सपना आप देखा होगा, करीब 3,32,00,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, 3,25,00,000 लोगों ने वो सपना साकार करेंगे, यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कहना चाहूँगा ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है, आप चारों पांचों विधायक जो हमारे हैं इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जिया खडाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप पांचों विधायक विधायक जिता के भेजो, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी, यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही आदर के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी देश की नेता, देश की आंधी प्रियंका गांधी जी को, जो आज हमारे बीच दौसा जिले में हम सबको संबोधित करने आई है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम प्रियंका जी का स्वागत करेंगे, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ से प्रियंका जी भाषण देके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाएंगी। बोलो बालाजी महाराज की, प्रियंका गांधी, आई आदरणीय प्रियंका गांधी जी। सारा भाइया बहनन को राम राम सा। आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, रंधावा जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, श्री सीपी जोशी जी,
श्रीमती ममता भूपेश जी, प्रसादी लाल मीना जी, मुरारी लाल मीना जी, धीरज गुजर जी, जुबैर खान जी, रामजी लाल औद जी, अमृता धवन जी, वीरेंद्र राठौर जी, सभी उपस्थित नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, पपलाज माता, देवनारायण भगवान जी और मीन भगवान के आशीर्वाद से आपके बीच आई हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ पास में है, तो यहाँ आते आते मैंने अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि अगर समय है तो हम लोग वहाँ जाएं, तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहती हूँ कि पहली बार बहुत इच्छा रही थी मेरी बहुत सालों से कि मैं यहाँ आऊँ, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दौसा ने देश को पंडित नवल किशोर शर्मा जी और राजेश पायलट जी जैसे नेता दिए। आज इस धरती पर खड़े होकर उनको नमन करती हूँ। ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? रुक जाती। बहनों, बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव चल रहा है, मैं तेलंगाना जा रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी हैं वहाँ, उन्होंने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और हर प्रदेश में ऐसी कहानियाँ हैं, और सिर्फ महापुरुषों ने नहीं, इस देश के जन जन ने देश को मजबूत बनाने के लिए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश के किसान ने संघर्ष किया है, देश की महिलाओं ने संघर्ष किया है, तभी ये देश आकर यहाँ पहुँचा है जहाँ हम आज हैं। तो जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। ये देश, ये प्रदेश जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं, इसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जीवन का सफ़र मुश्किल है। मेरी बहनें खेतों में काम करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, बच्चों का के परवरिश को देखती हैं। मेरे भाई खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, आपके बच्चे बड़े होकर जवान बनते हैं, सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। आप इस देश की रीढ़ हैं, इस देश को आपने बनाया है। तो इस जीवन के सफ़र में
जो संघर्ष से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, इस सफर में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जीवन की जो मुश्किलें हैं उसे कम करने का प्रयास करें? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे, जब आपदा आए तो आपको राहत मिले, जो खेती का काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सुविधा मिले, जो मेरी बहनें बच्चों के परवरिश कर रही हैं उनको मदद मिले, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो उज्जवल हो सकता है। यही उम्मीद रखते हैं ना आप? ये उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। अतीत का आदर करता है लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता, वो आगे देखता है कि हम आज जनता को किस तरह मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। तो इस सोच के लिए, समझ के लिए एक तरह का नेता होना चाहिए। जैसे आपने देखा, आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने की का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं, तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या हुआ? देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थी, लाखों की कंपनियां थी, उनको कम दाम में बेच दिया। जहां से आपको रोजगार मिल सकता था वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया। जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो आपने उम्मीद की लेकिन आपकी उम्मीद को तोड़ा गया। आज ये नौबत आ गई है कि प्रदेश की सरकार महंगाई के राहत कैंप लगा रही है, क्योंकि देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है,
उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे। तो ये जो नजरिया है इन नेताओं का, जो भाजपा का नजरिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें, चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो OPS पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते, जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में OPS दे रही हैं, तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है। ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति हैं जो आज देश में चल रही हैं, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपकी जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है। या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे। देखिए, अगर जनता का कल्याण होना है तो ऐसी राजनीति से होगा जो सेवा भाव, करुणा भाव और जनता को सर्वोपरि रखने की राजनीति हो। लालच, महत्वाकांक्षा, अहंकार की राजनीति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं, लिफाफा खोला, 21 रुपये निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ERCP का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आपने तो कहा था ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ERCP के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? अब मैं आपसे एक दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रही थी, जिसका नजरिया आगे भविष्य के लिए सोचने का नजरिया होता है। तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं की, भाखड़ा नंगल डैम,
रिहंद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गईं। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्यों के भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गंवा रहे हैं। अब आप बेरोजगारी को देखिए, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, और बेरोजगारी है फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत।